Hey, what's up guys? This is Sanjeev and welcome back to again my YouTube channel. So guys, लेके आ गए हूँ एक और वीडियो। और guys, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जिसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा तब आपको लोन मोरेटोरियम मिलेगा, या तो कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो बिना अप्लाई करे ही आपको लोन मोरेटोरियम दे देंगे, और कौन कौन से ऐसे लोन ऐप्स हैं और बाइक, कार, हाउस लोन, ये सब चीजें के लिए आपको अप्लाई करना है कि ऑटोमेटिकली आपको आपका बैंक दे देगा। आज के इस वीडियो में एक एक करके सारे बैंकों के नाम बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा आखिरी तक देखना, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करना, क्योंकि आपका भाई आप सभी लोगों के लिए ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैं एक वीडियो बना के बताया था जो कि आरबीआई के गवर्नर लाइव आके बताए थे, 5 या 6 तारीख को शायद वो लाइव आए थे और बोले थे कि आपको इस बार लोन मोरेटोरियम तो नहीं लेकिन लोन रीस्ट्रक्चरिंग मिलेगा, और अगर लोन मोरेटोरियम भी मिल सकता है अगर आपका बैंक चाहे तो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आपका बैंक अगर चाहे तो कौन-कौन से लोन मोरेटोरियम के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और कौन कौन सा बैंक ऐसा है जहां पे अप्लाई करने की भी आपको जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जैसे पिछले साल मिल गया था। तो गाइस, ये पूरा वीडियो आखिर तक देखते रहना। जैसे कि गाइस, मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या कंडीशन है कि जैसे पिछले साल जो रीस्ट्रक्चरिंग नहीं लिया था वही इस साल रीस्ट्रक्चरिंग या लोन मोरेटोरियम ले सकता है, लेकिन अगर वो चाहे, उनका बैंक चाहे, तो वो अगर पिछले साल लिए थे फिर भी वो ले सकते हैं, क्योंकि उनका बैंक उनको दे सकता है, क्योंकि पिछले बार भी 2 साल के लिए था, तो वो अपना लोन रीस्ट्रक्चरिंग या लोन मोरेटोरियम का डेट बढ़वा सकते हैं और उनको 3 महीना 6 महीना तक लोन मोरेटोरियम मिल सकता है अगर उनका बैंक चाहे तो। लेकिन उसमें कंडीशन है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्सटेंडेड होना चाहिए, मतलब कि आपका बैंक अकाउंट, मतलब आपका जो लोन है, आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका सिबिल है, ये सही होना चाहिए, लगातार 3 चेक बाउंस नहीं हुआ रहना चाहिए लगातार 1 महीना 2 महीना 3 महीना करके, क्योंकि तब आपका लोन एनपीए हो जाएगा और आपका जो है सिबिल और आपका बैंक बहुत ही, मतलब कि उस हालत में नहीं रहेगा कि आपको कोई, मतलब आपका डेट एक्सटेंड करे। आप खुद सोचो ना, आप किसी का पैसा 3 महीने से नहीं दिए हो और आप फिर से बोल रहे हो कि हमको थोड़ा टाइम दे दो, कोई देगा? कोई नहीं देगा। तो आपका अगर 31 मार्च 2021 तक अगर आपका बैंक एक्सटेंडेड था, मतलब उससे पहले आप एक भी चेक बाउंस नहीं किए थे, 1-2 चेक से काम चलेगा, लेकिन लगातार अगर 3 चेक बाउंस नहीं किए थे और आपका लोन मतलब एनपीए में नहीं गया है, या आपका अकाउंट मतलब कि ऐसा नहीं है कि एकदम लो, आपका सिबिल एकदम खराब हो गया, अगर आपका बैंक अकाउंट एक्सटेंडेड है 31 मार्च 2021 तक, तब आपको गाइस यहां पे लोन मोरेटोरियम के लिए आपको मिल सकता है लोन मोरेटोरियम, या तो अप्लाई कर सकते हो या तो आपका बैंक आपको ऑटोमेटिकली दे सकता है। तो वही सारे बैंकों के नाम बताने वाला हूं, तो जरूर से पूरा वीडियो आखिरी तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आ जाता है SBI। सो गाइस, ये जो SBI बैंक है ये ओनली ऑन कस्टमर डिमांड पे देगा, अगर आपको चाहिए लोन मोरेटोरियम और अगर ये दे रहा है लोन मोरेटोरियम तो आप एक मेल करोगे तो आपको दे देगा SBI, या फिर कोई फॉर्म हम इसके वेबसाइट पे जाना, जो भी इसका होगा मतलब कि प्रोसीजर करना, आपको लोन मोरेटोरियम दे देगा, लेकिन ये सिर्फ SBI कस्टमर डिमांड पे ही देगा। दूसरा बैंक आ जाता है IDBI बैंक, ये ऑटोमेटिकली दे देगा, ये कोई कस्टमर डिमांड आपको करने की जरूरत नहीं, अगर इसको देना होगा तो ऑटोमेटिकली दे देगा। और गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो भी मैं बैंकों के नाम बता रहा हूं, अगर इनको देना होगा तभी ये देंगे, आप इनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं है कि ये देंगे ही देंगे, फिर बाद में मुझे मत बोलने लगना, अगर ये देंगे तो इसी तरीके से देंगे, मैं ये वीडियो बना के बता रहा हूं। केनरा बैंक कस्टमर डिमांड, बस खाली कस्टमर डिमांड जो करता है उसी को देता है केनरा बैंक। IDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ये ऑटोमेटिकली दे देता है। ICICI बैंक, ये भी ऑटोमेटिकली दे देता है दोस्तों, पिछले साल भी दे दिया था। सेंट्रल बैंक ऑटोमेटिकली दे देता है, बहुत सही बैंक है। यूको बैंक ऑटोमेटिकली दे देता है, छोटा बैंक है, सही बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा वो ऑटोमेटिकली दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्ट्रल बैंक ऑटोमेटिकली दे देगा दोस्तों, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। HDFC बैंक ओनली ऑन कस्टमर डिमांड, पिछले साल आप देखे थे इसका क्या हाल हुआ था, ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस हुआ था, बहुत सारे लोगों को सेटलमेंट कराने में दिक्कत आया था, बहुत सारे लोगों का सिबिल खराब हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ओनली ऑन कस्टमर डिमांड पे कोटक महिंद्रा देगा। उसके बाद बजाज फाइनेंस भाई क्या ही कहना, पिछले साल इतना बुरा तबाही मचाया था ना, 50,000 लोगों का इसी लॉकडाउन में ECS के नाम पे काटा था, लेकिन देता ये भी है, कस्टमर डिमांड करेंगे तो दे देंगे। मेरा खुद 3 महीने का ECS लगाया था लगभग 7 से 8 बार, मतलब 3 मेरा चेक बाउंस हुआ था उसमें ये जनाब 7 से 8 बार ECS लगा दिए थे। तो भाई इसका क्या ही कहना भाई, इससे तो कभी लेना ही नहीं चाहिए कोई लोन। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कस्टमर डिमांड पे देगा, ठीक है। रेपो होम फाइनेंस, ये भी ऑटोमेटिकली दे देगा, कस्टमर डिमांड पे नहीं देगा। पंजाब एंड सिंह बैंक ऑटोमेटिकली दे देगा। HSBC बैंक कस्टमर डिमांड पे देगा, HSBC बैंक, ठीक है।
और उसके बाद से दोस्तों एक्सिस बैंक ऑटोमेटिकली दे देगा, ठीक है दोस्तों, एक्सिस बैंक भी ऑटोमेटिकली दे देता है, बैंक ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली दे देता है आपको, ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ये भी आपको ऑटोमेटिकली दे देता है। सो दोस्तों ये सारे बैंक्स थे जो कि आपको अगर इनको लोन मोरेटोरियम आपको देना हुआ, अगर आप एलिजिबल हुए या अगर इनका देने का मन किया, क्योंकि आरबीआई साहब साहब बोले आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी कि अगर बैंक चाहे तो आपको लोन मोरेटोरियम दे सकते हैं, कोई हम पाबंदी नहीं लगा रहे कि भैया तुम दो ही मत, तो अगर ये सब बैंक चाहें तो आपको इस तरीके से दे सकते हैं, और अगर ना चाहें तो आप इनके वेबसाइट पे जाकर चेक कर लेना, हो सकता है आप अप्लाई करो तो मिल जाए, लेकिन जो जो बैंक ऑटोमेटिकली देते हैं उनका मैं बता दिया, जो जो बैंकों के लिए अप्लाई करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि जिनका बाइक लोन है, कार लोन है, होम लोन है, और भी बहुत तरीके का लोन है, कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे जितने भी तरह के लोन हैं वो सभी लोन ओनली ऑन कस्टमर डिमांड पे दोस्तों मिलेगा। अगर आप कस्टमर डिमांड करता है तो बाइक, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कार वगैरह हर चीज़ के लिए ये लोन सिर्फ कस्टमर डिमांड पे है इनका मोरेटोरियम, तो अगर आप ये मोरेटोरियम दे रहे हैं पता कर लेना, कस्टमर डिमांड पे आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं लोन ऐप्स के बारे में, तो लोन ऐप्स भाई उनकी मर्जी है, जो एनबीएफसी रजिस्टर हैं, जो लीगल तरीके से काम करते हैं, जो 7 और 15 दिन का लोन छोड़ के जो महीनों महीनों का लोन देते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है कि आपको लोन मोरेटोरियम वो दे सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि पिछले साल मुझे भी मिला था, क्रेडिट भी दिया था, क्रेडिट्स ही दिया था, और यहां तक कि कैशबिन, पता नहीं ये लीगल है या नहीं है, लेकिन कैशबिन भी मुझे दिया था। तो यही था गाइस आज के इस वीडियो में, आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, सारे बैंकों के मैंने नाम बता दिया, सब कुछ बता दिया, कौन ऑटोमेटिकली देगा, किसका आपको अप्लाई करना है, सारे लोन एप्लीकेशन को भी मैं बता दिया, कौन कौन से लोन एप्लीकेशन जो एनबीएफसी रजिस्टर है उसमें सारे आ जाते हैं, जो भी एनबीएफसी रजिस्टर है, और जो 7 और 15 दिन के लोन देते हैं वो शायद ना दें आपको, लाइक आपका अगर किस्त और रूफिलों की बात करें तो ये 15 दिन का लोन देते हैं तो पता नहीं ये देंगे कि नहीं, लेकिन जो महीनों महीनों का लोन देते हैं लाइक क्रेडिट बी, क्रेडिट जी, ये सब आपको दे सकते हैं, डेफिनेटली आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और मैं तो दोस्तों बोलूंगा कि यार देना ही चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी देश का हालात आप देख ही रहे हैं क्या हो चुका है, मतलब कि लोगों के पास खाने को नहीं है, तो यहाँ पे लोग कैसे लोन भरेंगे। तो बस यही बोलूंगा आखिरी में जाते जाते कि मस्त रहिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, धोते रहिए, घर से निकलिए जब काम पड़े, जब एकदम आपको एकदम ऐसा लगे कि नहीं अब घर से निकले बिना काम नहीं होगा तभी घर से निकलिए, और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, देख लीजिए सब्सक्राइबर बहुत सारे बहुत कम है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।